ये है नीमच की मऊरोड स्थित सनसिटी कॉलोनी। दिखने में तो ये कॉलोनी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ के रहवासी परेशान हैं। परेशान इसलिए है कि सनसिटी कॉलोनी का नामांतरण नहीं हो रहा है। महंगे भाव में मकान खरीद कर यहाँ पर अपना आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कॉलोनी के रहवासी गण। कई बार नगर पालिका के चक्कर काटे, लेकिन कहा जाता है कि आपकी कॉलोनी हैंडओवर नहीं की गई है कॉलोनाइजर के द्वारा। कई बार शिकायत लेके जनसुनवाई में भी पहुंचे और कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिए। सीएमओ को तत्काल कार्रवाई के आदेश कलेक्टर महोदय द्वारा आज से 4 महीने पहले दे दिए गए थे, लेकिन लापरवाही देखिए नगर पालिका सीएमओ और नगर पालिका की। आज तक ना तो यहाँ सड़क का निर्माण हुआ है, न ही कहीं समस्या हल हुई और न ही नामांतरण हो रहे हैं। क्यों आखिर बचाया जा रहा है कॉलोनाइजर को और क्यों नहीं सीएमओ सीपी राय इस पर मामले में कार्रवाई कर रहे हैं? कई सवाल खड़े हो रहे हैं कार्यशैली पर सीपी राय सीएमओ की। आखिर कब तक यूँ ही जनता परेशान होगी, क्यों ही सनसिटी रहवासी परेशान होते रहेंगे? आखिर क्यों जब इनसे कॉलोनी भेज नहीं है, नामांतरण नहीं हो रहा है, तो किस बात का टैक्स लिया जा रहा है इन लोगों से, मकान का या अन्य सारे टैक्स? क्या कोई कहने सुनने वाला नहीं है, या सिर्फ कॉलोनाइजरों द्वारा अवैध कॉलोनियों के निर्माण नीमच जिले में किए जाते हैं और फिर जनता अपना आप को ठगा सा महसूस करती है? क्या कभी जांच होती है इन मामलों की कॉलोनी वैध या अवैध? संजय गौड़ की विशेष रिपोर्ट।